बुलंदशहर से रिशु कुमार, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। शिकारपुर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस से पीड़ित के पहुंचते ही लेखपाल समाधान दिवस छोड़कर हुआ फरार। शिकारपुर कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें स्थानीय लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर थाने में पहुंच रहे थे। जैसे ही एक पीड़ित राजेश पुत्र रामदास निवासी मोहल्ला भीम नगर खेड़ा जैसे ही अपनी जमीन की समस्या को लेकर समाधान दिवस में पहुंचा तो हल्का लेखपाल तेजवीर कोतवाली से समाधान दिवस को छोड़कर फरार हो गया। जब पीड़ित राजेश ने कोतवाली निरीक्षक अपराध कामेश कुमार को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने हल्का लेखपाल से फोन पर वार्ता की, लेकिन हल्का लेखपाल ने थाना प्रभारी को कानून का पाठ पढ़ाते हुए समाधान दिवस में आने से मना कर दिया। पीड़ित राजेश ने बताया कि हल्का लेखपाल तेजवीर ने पैसे लेकर दूसरी पार्टी से सांठ गांठ के चलते कब्जा नहीं होने दे रहा है। शिकारपुर हल्का लेखपाल पर पीड़ित राजेश ने ये भी आरोप लगाया है कि कब्जा दिलवाने के नाम पर हजारों रुपए की मांग हल्का लेखपाल तेजवीर कर रहा है। उसकी मांग पूरी नहीं होने पर वह पीड़ित को लगातार कानूनी पाठ पढ़ा रहा है। हल्का लेखपाल तेजवीर का ये पहला मामला नहीं है। अधिकांश क्षेत्र के लोग हल्का लेखपाल की दबंगई से परेशान है, क्योंकि दबंग लेखपाल हठधर्मिता स्थानीय लोगों का भी शोषण कर रहा है, जबकि पूर्व एसडीएम राजस्व निरीक्षक को भी कब्जा दिलाने के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन लेखपाल तो अपने को सुप्रीम पवार समझे बैठा है। आखिर गरीब को कब मिलेगा ऐसे लेखपाल से न्याय? राजेश थाने आए हैं, क्या मामला है? जमीन का मामला है हमारा। क्या है? ऐसा है कब्जा दूसरों ने ले रखा है और हमारे नाम पर जमीन है, हमारी के नाम पर। और ऐसा है कि तीन ही पटवारी है, उन्होंने दूसरी पार्टी से 20,000 रुपये ले रहे हैं, 50,000 मुझसे मांग रहे हैं। हमें तो कब्जा नहीं दिलाएंगे, ये कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कैसे कब्जे लेना चाहता हूँ। तो अभी आपने यहाँ थाना समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र भी दिया है, तो पुलिस की तरफ से भी क्या आश्वासन मिला है? पुलिस वाले तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पटवारी पानी को यहाँ से गायब है दोनों, वो यहाँ पर आ नहीं रहे। और ऐसा है, तहसील में भी कितनी बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं? तहसील वाले में कम से कम ना तो मैंने प्रार्थना पत्र कम से कम तो 100 बार उसकी नकल है मुझे सब। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया था आपको? एसडीएम साहब ने कह दी थी कि आपकी जमीन नपी हुई है और आप जाकर नहीं ले लो कब्जा जो भी है, लेकिन पटवारी कानून को आने को तैयार नहीं है। दूसरा पक्ष पुलिस ले पहुंचा था यहाँ पे, पुलिस वाले कहते हैं कि ना पहले उनसे के बाद कानून को पटवारी कानून को कोई फोन नहीं उठाता है और ना ही जाने को तैयार है। तो क्या मांगे आप? मांगे मेरा कब्जा मुझे मिल जाना चाहिए, घूमिया पे हट जानी चाहिए।